दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे धरती पुत्र फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। धरती पुत्र 1993 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में मैमूटी, जयप्रदा, ऋषि कपूर, नगमा, फरानाज, शहबाज खान, सुजाता मेहता, शोमा आनंद, डैनी डेंजोंगपा, शशि शर्मा, शहजाद खान, मैकमोहन, विकास आनंद, राणा जंग बहादुर, रजा मुराद और सुरेश ओबरॉय नजर आए थे। इस फिल्म को इकबाल दुर्रानी ने डायरेक्ट किया था। इसकी कहानी और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे और इस फिल्म को दिनेश पटेल ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को कुल 80 स्क्रीन के साथ 20 अगस्त 1993 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 2,07,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 3,65,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 18,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 1,70,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 5,00,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.2 रेटिंग मिले और ये फिल्म 1993 की 24वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक नदीम श्रवण ने दिए थे, इसके लिरिक्स समीर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे, इसके कुछ गाने अच्छे हिट रहे थे। इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा गाने कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाए थे। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म में लीसा के रोल के लिए पहले दिव्या भारती को साइन किया गया था लेकिन डेट्स ना दे पाने के कारण बाद में वे इस फिल्म से हट गई थी। नंबर 2, इस फिल्म से मलयालम फिल्म के सुपरस्टार एक्टर मैमूटी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। नंबर 3, मैमूटी ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें बॉलीवुड में डेब्यू करने में 11 साल का समय लगा था। वे बहुत पहले से हिंदी फिल्म में काम करना चाहते थे लेकिन कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में नहीं लेता था। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।